तो गेट 2023 के लिए हम लोग सीटीक्यू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में हैं जिसमें प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस का एनालिसिस किया आज के इस सेशन में उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं और मेनली ये क्वेश्चंस जो हैं रेफरिंग कांसेप्ट पे बेस्ड हैं कि प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स को किस तरीके से सेकेंडरी साइड में या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी में किस तरीके से रेफर किया जा सकता है मेन फंडामेंटल आइडिया आज के सेशन का उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है तो चलिए इस क्वेश्चन की एनालिसिस हम लोग करते हैं जैसा की प्रीवियसली भी मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीट किया हुआ है इन क्वेश्चंस इस सेशन को अटेंड करते समय आपके पास एक ब्लैंक पेपर रहना चाहिए क्वेश्चन जब भी आपके स्क्रीन में आता है सेल्फ प्रैक्टिस करिए उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की खुद से कोशिश करिए वीडियो पॉज करके और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए वीडियो सॉल्यूशन को रेज्यूम करिए जिससे आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सके और जो भी सॉल्यूशन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपके माइंड में मैप हो सके इट तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है कंसीडर अ सिंपल पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स आपको क्वेश्चन में मेंशन है सिंपल पावर सिस्टम आपको कंसीडर करना है पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम लोगों को यूज करना है तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन है ज सोर्स तो चलिए इस सोल्यूशन एक क्वेश्चन को आप लोगों ने रीड कर लिया होगा अंडरस्टैंड कर लिया होगा अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको मेंशन ये है कि सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग पावर सिस्टम का ड्रॉ करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स आपके पास अवेलेबल है ऑफ मैग्नीट्यूड 480 एट एन एंगल जीरो एट एन एंगल जीरो वोल्ट का आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अभी से आइडियल वोल्टेज सोर्स से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपको देखने के लिए मिल रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने यूज किया स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बाद एक ट्रांसमिशन लाइन यहां पे मेंशन है तो ट्रांसमिशन लाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सपोज करते हैं यहां से यहां तक आपको ट्रांसमिशन लाइन देखने के लिए मिलेगा यहां से यहां तक आपको ट्रांसमिशन लाइन देखने के लिए मिल रहा है देन फर्दर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रांसमिशन लाइन के अगेन बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपको मेंशन है क्वेश्चन में आपके स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में स्पेसिफाई किया हुआ है एंड अ लोड लोड आपके लास्ट में यहां पे कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलेगा ये लोड देखने के लिए मिल कुछ इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम आपको मेंशन है सॉरी सिंगल लाइन डायग्राम आपको मेंशन है ये इट आपको सिंगल लाइन डायग्राम मेंशन है अब इसके डेटा को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के टर्न्स रेशियो क्या है या फिर लोड का इक्विवेलेंट इंपीडेंस वगैरह क्या है तो चलिए सोर्स ऑफ 480 एट एन एंगल कांगलो वोल्ट हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ कर लिया और पावर सिस्टम के लिए सोर्स क्या है कहां से इलेक्ट्रिसिटी अवेल हो पा रही है वोल्टेज का डेवलपमेंट हो पा रहा है कौन वोल्टेज बिल्डअप कर रहा है या फिर पावर डेवलप कर रहा है पावर बिल्डअप कर रहा है तो वो जनरेटर ही है पावर सिस्टम के लिए सोर्स कि जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर कि मैकेनिकल इनपुट वो करके मैग्नेटिक एक्शंस के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में प्रोवाइड करेगा और जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो यूटिलाइज हो सकते हैं तो सोर्स मतलब फोर हंड्रेड एट एन एंगल जीरो किसके बारे में स्पेसिफाई किया गया है ये एक जनरेटर है जिसको मैं जी से नेमिंग कर देता हूं इसकी देन अगेन आपको मेंशन है द इंपिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन की ये ट्रांसमिशन लाइन का इंपिडेंस थ्री प्लस जे फोर आपको मैं थ्री प्लस जे फोर आपको मैं इतना इंपिडेंस आपके ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसमिशन लाइन का मेंशन है आपका थ्री प्लस जे फोर नाउ अगेन हम लोग बात करें इंपिडेंस ऑफ द लोड इज थर्टी प्लस जे फोर्टी थर्टी प्लस जे फोर्टी ओम आपको यहां पे मेंशन है थर्टी प्लस जे फोर्टी ओम वॉट टर्स रेशियो वुड बी रिक्वायर्ड टू रेड्यूस ट्रांसमिशन लाइन लॉस टू वन परसेंट ऑफ टोटल एक्टिव पावर यहां पर मैं टोटल एक्टिव पावर प्रोड्यूस बाई आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ़ सेशन में ही इस क्वेश्चन को कर दिया हुआ था अभी भी आप नोट डाउन नहीं किए हुए हैं क्वेश्चन को तो स्क्रीन आपको मैं विजिबल कर दे रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लें या फिर हैंड रिटेन नोट्स में फॉर्म कर लें तब इसके सॉल्यूशन को कंटिन्यू करें तो ये आपके क्वेश्चन मेंशन थी जिसमें सारे पैरामीटर सारे

जी अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन कर रहा है तो उस पीजी अमाउंट ऑफ पावर मैग्नीट्यूड ऑफ पावर का केवल और केवल पावर लॉस हो रहा है आपके लाइन में में यह आपको क्वेश्चन इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है कि ऑफ द टोटल पावर प्रोड्यूस आपके ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस में वेस्ट हो रहा है तो रेस्ट जीरो टाइम्स नाइन पीजी आपका यूटिलाइज हो रहा है लोड में कि जनरेटर जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है

टोटल पावर प्रोड्यूस जो जनरेटर कर रहा है सपोज कर, कर रहा है तो उस पीजी का वन परसेंट वन परसेंट पावर ट्रांसमिशन लाइन लॉस में जा रहा है रेस्ट जीरो पॉइंट नाइन नाइन टाइम्स ऑफ पीजी पावर जो है वो लोड में जा रहा है तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाई होगी अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे और इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन नाउ कि लेट टोटल एक्टिव पावर प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर पीजी जनरेटर जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसको अगर हम लोग पीजी एज्यूम करें पीजी एक्टिव पावर है इसीलिए पी से हम लोगों ने डिनोट किया हुआ और जनरेटर का एक्टिव पावर है इसलिए पीजी से हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है अभी सिंगल लाइन डायग्राम को रेफर करके पैरामीटर्स रेफर करके प्राइमरी टू सेकेंडरी सेकेंडरी टू प्राइमरी हम लोग एक इलेक्ट्रिकल इक्वेलेंट मॉडल बिल्डअप करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल इक्वेलेंट मॉडल से इजीली हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे केवल और केवल इतना इंफॉर्मेशन मेंशन है कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है इसके अलावा और कोई चीजें आपको मेंशन नहीं है तो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर टर्स रेशियो वगैरह ट्रांसफॉर्मर के गिवन नहीं है तो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है तो आप बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से डेटा से एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज करिए ये एक स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है तो इसका टर्न रेशियो मैं कंसिडर कर रहा हूं वन रेशियो एक्स वन रेशियो एक्स और आपको टर्स रेशियो ही बताना है वॉट टर्स रेशियो वुड बी रिक्वायर टू रेड्यूस ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज

कि ये वन रेशियो एक्स का ट्रांसफॉर्मर है ये एक्स रेशियो वन का ट्रांसफॉर्मर मतलब ये स्टेप अप अप्रांसफॉर्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है अब क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि प्राइमरी साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सोर्स मेंशन है ये सिंगल लाइन डायग्राम था अब इसका इलेक्ट्रिकल इक्वल्ट मॉडल सिंगल पेस सर्क्यूटरी हम लोग तैयार करते हैं कि सपोज करिए फोर हंड्रेड एट एन एंगल जीरो सॉरी इलेक्ट्रिकल मॉडल तैयार करते हैं 400 हंड्रेड एट एन वोल्ट का ये सोर्स आपको मेंशन है जो के को, इस का आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि आपने एक बार इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ चुका हुआ है आप इस रिविजन सेशन में है तो थ्री प्लस जे फोर यहां पर ट्रांसमिशन लाइन का इंपिडेंस है

प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में रेफर करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से रेफर कर सकते हैं सपोज करिए इस सोर्स के साथ मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं डायरेक्टली इस ट्रांसफॉर्मर के इस तरफ जो है उसको इस तरफ रेफर अगर मैं करूं तो हाई वोल्टेज साइड वन रेशियो एक्स मतलब हाई वोल्टेज साइड इस साइड है लो वोल्टेज साइड इस साइड है तो हाई वोल्टेज साइड से इंपिडेंस लो वोल्टेज साइड में ट्रांसमिशन हो रहा है तो जब भी हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में इंपिडेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंपिडेंस

ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूमरेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो न्यूमरेटर जब रेड्यूस हो जा रहा है तो इंपिडेंस की वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो ये अगेन रेड्यूस होगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डिनोमिनेटर जब इंक्रीज हो रहा है तो इंपिडेंस की वैल्यू फर्दर रिड्यूस होगी मतलब इंपिडेंस टू टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है एक रिडक्शन तो वोल्टेज के कारण एक रिडक्शन साइड में जा रहे हैं।, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाते हैं तो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड में क्या हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली हाई वोल्टेज साइड मतलब वोल्टेज इंक्रीज होगा

टर्न्स रेशो को स्पेसिफाई कर रहा है टर्न रेशो को स्पेसिफाई कर रहा है जहां पे एज ऑलवेज टर्स रेशियो हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मर में डिफाइन करते हैं हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड नॉट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू प्राइमरी का कॉन्सेप्ट टर्स रेशो के लिए नहीं होता है टर्न्स रेशियो जब भी आपको लिखना है

कि आपको बस हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज साइड में जाना है या फिर लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड में जाना है इतनी अंडरस्टैंडिंग बस मेंटेन करनी है बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी क्या करना है इंक्रीज होगी वैल्यू या फिर डिक्रीज होगी तो वो नोट पॉइंट बना के आप साइड बाई लिख सकते हैं चीजों को तो यहां पर एक इंपोर्टेंस है हाई वोल्टेज साइड एक्स क्या है हाई वोल्टेज साइड यहां पे टर्स रेशियो की वैल्यू क्या है ए इक्व टू अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं एज इक्व टू हाई वोल्टेज साइड डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज साइड तो एक्स रेशियो वन हम लोग लिख सकते हैं मतलब कि X. Ratio की वैल्यू देखने के लिए मिल रही है यहां पे तो लो सॉरी हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इंप्यूडेंस की वैल्यू रेड्यूस होगी ए स्क्वायर टाइम्स थ्री प्लस जे फोर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इन द सेंस एक्स स्क्वायर टाइम्स

अगेन एक्स स्क्वायर टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा तो ओवरऑल वैल्यू ये वाला इंपोर्टेंस जब यहां पे पहुंचेगा रेफर होके तो उसकी वैल्यूलेंटली देखने के लिए मिलेगी मतलब ये दोनों हो आपको देखने के लिए मिलेगी इतना तो ये हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिकल इक्वेलेंट मॉडल बिल्डअप किया इलेक्ट्रिकल इक्वेलेंट मॉडल बिल्डअप किया अब ये जो जनरेटर है ये जो जनरेटर है मैं सपोज करता हूँ कि आई जी अमाउंट ऑफ करेंट की ये डिलीवरी कर रहा है आई जी अमाउंट ऑफ करेंट की ये डिलीवरी कर रहा है यहां तक सारी चीजें क्लियर है अब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि अगर जनरेटर का जनरेटेड पावर पीजी है जनरेटर का जनरेटेड पावर पीजी है तो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस में जो लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन लॉस में पावर लॉस जो हो रहा है ट्रांसमिशन लॉस जो हो रहा है वो आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि जीरो पॉइंट जीरो वन टाइम्स ऑफ पीजी हो रहा है टोटल जनरेटेड पावर का यहां से टोटल कितना पावर जनरेट कर रहा है पीजी अमाउंट ऑफ जनरेटेड क्योंकि टोटल एक्टिव पावर प्रोड्यूस ने पीजी कंसीडर किया हुआ है तो टोटल जनरेटेड पावर अगर हम लोग पीजी कंसीडर करें तो ये वन परसेंट ऑफ टोटल एक्टिव पावर जनरेटेड आपका ट्रांसमिशन लाइन लॉस होगा इस तरीके से हम लोगों को टर्स रेशियो एडजस्ट करना है यही आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है यही आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये चीजें आपको यहां से देखने के लिए मिल रही हैं। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए तो हम लोग जो है आपको नीड नहीं है ये वैल्यू जो वन परसेंट ऑफ पावर जनरेटेड होगा इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांसमिशन लॉस

सिग्निफिकेंस नहीं होता है लॉसेस के लिए जो भी प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट है उसमें करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्र आर लॉसेस प्रोड्यूस करेगा जबकि रिएक्टेंसेस वगैरह क्या है एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है उसमें आप अमाउंट ऑफ पावर दे रहे हैं तो पावर सम टाइम के लिए एब्सॉर्व करने की कैपेबिलिटी होते देन डिलीवर बैक टू वो सप्लाई देने के कैपेबल होते एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होते हैं जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिएक्टेंस इंडक्टिव लेकिन लॉसेस के लिए केवल केवल और के है तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें कि ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट इंपीडेंस हम लोगों को यहां पे इतना देखने के लिए मिल रहा है इक्विवेलेंट इंपीडेंस जस्ट अ सेकंड हम लोगों को ये ये वैल्यू स्पेसिफाई कर रही है तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो तो यहां पे लॉसेस के लिए केवल और केवल रजिस्टिव वाला पार्ट रेस्पॉन्सिबल है ना कि रिएक्टिव पार्ट लॉसेस प्रोड्यूस करने के लिए पावर डेस्टिपेश प्रोड्यूस करने के लिए हीट प्रोड्यूस करने के लिए तो यहां पर हम लोग बात करें तो हम लोग यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं आई स्क्वायर I square R losses होते हैं, तो IG square, ये जो IG current हम लोगों ने suppose किया हुआ है, यही करंट यहां से फ्लो कर रहा है थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क् मतलब कि रजिस्टिव वाला पार्ट ना कि ये इमेजिनरी वाला पार्ट रिएक्टिव वाला पार्ट से कोई भी मतलब नहीं है लॉसेस के लिए ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस के लिए तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा तो ये एक इक्वेशन कैसे फ्रेम हो रहा है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी इक्वेशन नंबर वन फॉर्म हो चुका अब टोटल हम लोग बात करें टोटल लोड में कितना पावर जा रहा है पावर डेलीवर टू दोड दिस इज द लोड इक्वेल एंड यू नो तो दिस लोड में कितना पावर जा रहा है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई था वन परसेंट ऑफ टोटल एक्टिव पावर जनरेटेड बाई जनरेटर आपका ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस की तरह वेस्ट हो रहा है पावर जनरेटर ये जनरेटर जितना भी पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसका वन परसेंट ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस में जा रहा है रेस्ट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ दिस पावर प्रोड्यूस जनरेटर लोड में यूटिलाइज हो रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो पॉइंट नाइन नाइन टाइम्स ऑफ पीजी आपका लोड में जा रहा है ना 99 परसेंट लोड में जा रहा है तो इस वैल्यू को हम लोग किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं यहां पे देखिए एक रजिस्टिव एलिमेंट ये रिएक्टिव एलिमेंट तो जब एक्टिव पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो आई जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ थर्टी आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा आई जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ थर्टी आपको देखने के लिए मिलेगा यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इन इक्वेशन को लिखने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो तो फिर हम हम लोग इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे इक्वेशन इक्वेशन एंड लोगों के सामने आ चुका है आज इसका सॉल्यूशन इजीली हम लोग कर सकते हैं दो इक्वेशन हैं तो हम लोग इसके सॉल्यूशन तक इजीली पहुंच सकते हैं तो इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन अगर हम लोग करें इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन अगर हम लोग करते हैं तो लेट्स राइट डाउन हियर आई जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ थर्टी डिवाइडेड बाई आई जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड नाइन नाइन टाइम्स ऑफ पी जी डिडेड बाई जीरो सॉल्यूशन करिए आप लोग तो so, आपको इजीली एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी और एक्स इज नथिंग बट टर्स रेशियो आपको पता चल जाएगा जो कि में पूछा गया था कि क्या टर्न्स रेशियो होना चाहिए कि टोटल एक्टिव पावर जनरेटेड बाय बाई जनरेटर का केवल और केवल और वन परसेंट ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस में वेस्ट हो तो यहां से मैनुपलेट करें अगर हम लोग चीजों को तो जीरो पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो सॉरी जीरो पॉइंट नाइन नाइन इज इक्वल टू इज इक्वल टू थर्टी and this three sorry three वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीजें इस तरीके से मैनिपुलेट होंगी जीरो पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाइड विथ थर्टी डिवाइडेड बाई जस्ट अ सेकेंड ये चीजें किस तरीके से मेलिपुलेट होंगी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाइड विथ थ्री डिवाइडेड मल्टीप्लाइड 0.01 मल्टीप्लाइड विथ मल्टीप्लाइडी रूट ओवर रूट ओवर तो ये वैल्यू आपको प्रोड्यूस करेगी एक्स की वैल्यू ये इसको अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो ये एक्स की वैल्यू आपको प्रोड्यूस करके देगा जो कि वैल्यू आएगी आपके पास जीरो पॉइंट नाइन नाइन मल्टीप्लाइड विथ थ्री डिवाइडेड बाई जीरो मल्टीप्लाइड 30 तो ये वैल्यू आपको निकल के आ रही है 3.1464 1464 ये वैल्यू आपको निकल के आ रही है मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3.1464 होनी चाहिए ये आपका टर्स रेशियो होना चाहिए तो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर का आपको पता चला थ्री पॉइंट होना चाहिए थ्री तो यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को अब अगेन समझने की कोशिश करें कि केवल केवल और सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट नहीं है अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो आपको टू थाउजेंड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका आंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि उस प्रॉब्लम से आपने क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की हुई है जो कि आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में आपके कोई नया क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अब ये नॉर्मल आप कैसे रेफर करते हैं वो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है उसी रेफरिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन देखा पावर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन को मर्ज किया हम लोगों ने रेफरिंग कॉन्सेप्ट के साथ और एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की अब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर सकते हैं थ्री पॉइंट समथिंग थ्री पॉइंट वन फोर है तो सपोज करिए थ्री पॉइंट टू के समथिंग आपको स्पेसिफाइड रहना चाहिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट कर सके क्वेश्चन मैं रीड करता हूं जिससे हम लोग अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सकें सॉल्यूशन को सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए आंसर तक आप पहुंच जाए उस एंसर तक पहुंचने के बाद अगेन क्वेश्चन को रीड करिए और क्वेश्चन के डिमांड को समझने की कोशिश करिए जिससे एक ओवरऑल वे में हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट को लेटर पॉइंट ऑफ टाइम दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं ये एक परफेक्ट वे होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दस्ट सेकेंड तो क्वेश्चन आपको मैंने मेंशन किया मैं कंसिडर सिंपल पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है तो यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था वॉट टर्स रेशियो वुड बी रिक्वायर्ड यहां पर ट्रांसफॉर्मर का रेशियो क्या होगा कि वही टर्स रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया थ्री पॉइंट वन फोर समथिंग लाइक दैट तो वही टर्न्स रेशियो आपको पूछा हुआ था कि वॉट टर्स रेशियो वुड बी रिक्वायर्ड टू रेड्यूस ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज

अगर आप वो टर्स रेशियो का ट्रांसफॉर्मर्स यहां पे यूज करते हैं तो वन परसेंट ट्रांसम लाइन में जाएगा रेस्ट ऑफ दी पावर एक्टिव पावर प्रोड्यूस बाई जनरेटर लोड के द्वारा यूटिलाइज होगा तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन की और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको ब्यूटीफुली समझ में आया होगा और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कोई नया क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग गेट 2023 के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज में ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ होंगे थैंक यू